आज की खास खबर। जब यूती के प्रचार में ही दी जाती है चौकीदार चोर की घोषणा। भाजपा और शिवसेना की युति हो चुकी है, पर अब तक भी शिवसेना के कार्यकर्ताओं में ये बात हजम नहीं हो पा रही है। इसलिए उनके उम्मीदवारों में प्रचार के माध्यम के दौरान भाजपा पदाधिकारियों के उपस्थिति में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने चौकीदार चोर है ऐसी घोषणा की गई। इसके चलते प्रचार छोड़कर वहां के कार्यकर्ताओं और नागरिकों के बीच जमकर मारपीट देखने को मिली। कड़े बंदोबस्त किए गए, मारपीट छुड़ाने आई पुलिस, जहां एक दूसरे के सर फोड़ने की नौबत आ गई थी। शिवसेना की उम्मीदवार भावना गवड़ी इनके प्रचार के दौरान आयोजन करने में आया था। उस समय भाजपा के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। शिवाजी चौक में गवड़ी का आगमन हुआ। उन्होंने शिवाजी महाराज के मूर्ति को हार पहनाने की शुरुआत की। उसके बाद प्रचार के रैली के लिए शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन जब गवड़ी ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा को हार डाला, तब शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने घोषणाबाजी शुरू की। उस समय शिवसेना के पदाधिकारियों ने चौकीदार चोर है ये घोषणाबाजी करना शुरू किया। तभी इस घोषणा से रैली में उपस्थित भाजपा के पदाधिकारियों में गुस्सा पैदा हुआ। उन्होंने शिवसेना के पदाधिकारियों को पीटना शुरू किया, जिसके चलते दोनों पार्टियों में भिड़ंत मच गई, जिसके चलते पुलिस ने बंदोबस्त कर सुलझा दिया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।